नमस्कार दोस्तों। दोस्तों एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के मुताबिक मात्र 3 साल में 13 लाख से भी ज्यादा महिलाएं और लड़कियां देश भर से गायब हो चुकी हैं। एनसीआरबी ने अपनी रिपोर्ट पेश की राज्यसभा के अंदर, और अजय कुमार मिश्रा जो कि होम मिनिस्ट्री स्टेट संभालते हैं, उनके द्वारा ये रिपोर्ट पेश की गई थी। उन्होंने बताया कि देखिए, मोर देन 13.13 लाख, 13.13 लाख से भी ज्यादा महिलाएं और लड़कियां यहाँ पे गायब हो चुकी हैं 2019, 20 और 21 में। अब लड़कियां उनको बोला गया है जो 18 साल से कम उम्र की हैं, और वुमेन उनको बोला गया है जो 18 साल से ऊपर की हैं। तो हम लोग देखते हैं मध्य प्रदेश इसमें टॉप रैंक में है, सबसे अधिक मध्य प्रदेश के अंदर गायब हुई हैं, उसके बाद वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, और ये क्रम चलता जाता है। यूटीज में भी हम बात करेंगे, और रिकवरी रेट की अगर बात करें तो हाँ, कुछ रिकवरी रेट हुआ है, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाले आंकड़े हैं कि मात्र 3 साल में हमारे देश के अंदर 13 लाख से भी ज्यादा महिलाएं गायब हो गई हैं, उनके साथ में अत्याचार हो रहा है। सो अकॉर्डिंग टू होम यूनियन होम मिनिस्ट्री डाटा, जो कि पार्लियामेंट में लास्ट वीक में रखा गया था, 18 साल से जो ऊपर की महिलाएं हैं उनमें आप संख्या देख पाओगे 10,61,000 के आसपास है, जबकि जो लड़कियां हैं वे 2,51,430 के आसपास हैं, मिसिंग हुई है 2019 से लेकर 21 के बीच में। तो ये सेपरेट सेपरेट इन्होंने डाटा बताया गया है, और ये डाटा कंपाइल किया गया था एनसीआरबी के द्वारा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा। और आपको पता है ये जो बॉडी है ये होम मिनिस्ट्री के अंदर ही आती है, और इनके द्वारा फिर राज्यसभा के अंदर रिपोर्ट पेश की गई थी। अलग अलग सालों का अलग अलग तरीके से इन्होंने आंकड़ा पेश किया है। 2019 में आप देख पाओगे 82,000 के आसपास लड़कियां गायब हुई और 3,42,000 के आसपास महिलाएं गायब हुई। इसी प्रकार से 2020 के अंदर 79 मीन्स आप कह सकते हो कि 80,000 के आसपास लड़कियां गायब होती हैं, और फिर यहाँ पे 4,44,000 के आसपास महिलाएं गायब होती हैं, अर्थात आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। तो इस प्रकार से मिसिंग जो हुई हैं उनका कुछ ना कुछ रिकवरी रेट भी हुआ है, ऐसा नहीं है जो मिसिंग हुई वो कभी मिली ही नहीं। सरकार के द्वारा बताया ये गया कि 2019 के में हम देखते हैं लड़कियां गायब हुई थी 82,000, उनमें से 49,000 रिकवरी रेट है, जबकि महिलाएं गायब हुई थी 3,29,000, उनमें से भी 1,68,000 यहाँ पे रिकवरी रेट है महिलाओं का। इसी प्रकार 2020 का आंकड़ा है, 2021 का आंकड़ा है, 2021 में हम देखते हैं 90,000 के आसपास लड़कियां गायब हो जाती हैं, जिनमें से 58,980 के आसपास लड़कियों को रिकवर कर लिया जाता है, और 3,75,000 के आसपास महिलाएं गायब होती हैं, जबकि 2 लाख के आसपास उनको रिकवर किया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं हमारी जो विमेन्स हैं देश में, वो कहीं ना कहीं उनकी जो सिक्योरिटी है उसको उसके ऊपर सवाल पैदा होते हैं। और यूटी की हम बात करें या फिर पहले स्टेट वाइज हम बात करें, तो आप स्टेट वाइज देख पाओगे एमपी मध्य प्रदेश के अंदर ये आंकड़ा सबसे ज्यादा है। महिलाएं आप देख पाओगे 1,61,180 के आसपास, और लड़कियां हो जाएंगी 31,234। इस प्रकार से मध्य प्रदेश टॉप रैंक में है, फिर वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, उसके बाद उड़ीसा, और ये क्रम ऐसे ही चलता जाता है। तो महिलाओं के साथ में जो अत्याचार हो रहे हैं उसके ऊपर ये रिपोर्ट 3 साल में पेश की जाती है, पहले भी पेश होती रही हैं, लेकिन पिछले इन 3 सालों में ये आंकड़े बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। और यूटी में हम बात करते हैं तो दिल्ली सबसे टॉप में है, दिल्ली के अंदर क्राइम रेट भी बहुत ज्यादा आपको पता है, और यहाँ पे महिलाएं गायब हुई हैं 61,000 के आसपास और लड़कियां 22,000 के आसपास। इसी प्रकार सेकंड पे आ जाता है जम्मू एंड कश्मीर, उसमें जम्मू एंड कश्मीर आता है, इसमें लद्दाख को शायद शामिल नहीं किया गया है, तो विमेन्स हो जाएंगी 8,000 के आसपास और लड़कियां 1,148 के आसपास। ठीक है, तो ये यूटी और जो हमारे स्टेट हैं उनका सेपरेट सेपरेट डाटा दिया गया है 2019 से लेकर 2021 के बीच में। नाउ अब सवाल पैदा होता है कि सरकारें क्या कर रही हैं। तो अजय कुमार मिश्रा होम मिनिस्ट्री स्टेट के द्वारा बताया गया कि सेंटर ने यहाँ पे बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं फॉर द सेफ्टी ऑफ वुमेन्स, जैसे कि द क्रिमिनल लॉ एक्ट आया था उसको 2013 में अमेंडमेंट किया गया उसका, जो कि बात करता है इफेक्टिव डिटरेंस अगेंस्ट दिस सेक्सुअल ऑफेंसेस, महिलाओं के खिलाफ यदि कोई सेक्सुअल ऑफेंस होता है तो उसके लिए जो सजा का प्रावधान है, और वो सारी बातें इस एक्ट में लिखी गई हैं। आगे चलकर 2018 के अंदर इसमें कुछ अमेंडमेंट किए जाते हैं, और स्ट्रिंजेंट पेनल प्रोविजंस को ऐड किया जाता है, जैसे कि डेथ पेनल्टी, अगर तो 12 साल की जो कोई बच्ची है उससे ज्यादती की जाती है, उसके साथ में गलत व्यवहार किया जाता है, अगर रेप किया जाता है तो डायरेक्ट डेथ पेनल्टी भी इसके अंदर है।
बहुत ही कड़े प्रावधान इसके अंदर हैं, सरकार के द्वारा ऐसा बताया गया है। और ये जो एक्ट है ये मैंडेट करता है कंप्लीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एंड फाइलिंग ऑफ चार्जशीट इन रेप केस विद इन 2 मंथ्स, 2 महीने के भीतर भीतर पूरी कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन की और चार्जशीट फाइलिंग की हो जानी चाहिए। फिर बाद में आपको पता ट्रायल्स चलते हैं, तो ये जो ट्रायल्स वाला मामला है ये भी 2 महीने के अंदर ही पूरा हो जाना चाहिए। ये कड़े प्रावधान इसके अंदर किए गए थे 2018 के अंदर महिलाओं की सेफ्टी के लिए। आगे चलकर बताया गया कि टेक्नोलॉजी का भी इसके अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है। इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे बनाया गया है, एक 112 नंबर करके एक इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड नंबर जारी किया गया था सरकार के द्वारा। इसको बोला जाता है सिंगल इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड नंबर 112 112। तो ये किसी भी प्रकार की अगर इमरजेंसी होती है महिलाएं इसके ऊपर कॉल कर सकती हैं। और कंप्यूटर एडेड डिस्पैच करेगा रिसोर्सेज को, जैसे किसी महिला के साथ यदि मान के चलिए कोई गलत करने की कोशिश कर रहा है तो आप लगाइए 112 पे कॉल, फिर ये कंप्यूटर एडिट आपकी हेल्प भेजेगा और उसके बाद में लोकेशन को ट्रेस करके पुलिस वहां पर पहुंच जाएगी। तो इस प्रकार से सिस्टम काम करता है, इसको बोला जाता है इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम, यानी कि 112 नंबर है, ये भी आप याद रखिए। दूसरा सरकार के द्वारा ये बताया गया, यानी कि मंत्री जी के द्वारा ये बताया गया, सेफ्टी सिटी प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं जिनके अंदर स्मार्ट पुलिसिंग एंड सेफ्टी मैनेजमेंट जैसे टेक्नोलॉजी को ऐड किया जा रहा है। और जो फर्स्ट फेज है यानी कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे ये 8 शहर हैं जिनके अंदर ये वाले सेफ्टी सिटी प्रोजेक्ट चलाए गए हैं, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ एंड मुंबई। इसके बाद आप देख पाओगे होम मिनिस्ट्री ने यह भी बताया कि 2018 के अंदर साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल को लॉन्च किया गया था सितंबर 20 को। ये जो पोर्टल है साइबर क्राइम का ये प्रत्येक सिटीजन के लिए है, महिलाओं के लिए भी और आदमियों के लिए भी। तो यहाँ पे कोई भी पर्सन कोई भी सिटीजन रिपोर्ट कर सकता है अगर तो कोई ऑब्सीन कंटेंट आपको सेंड कर रहा है। किसी भी ऑब्सीन कंटेंट के खिलाफ में आप यहाँ पे जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। इनका प्रॉपर आप देख पाओगे पोर्टल है, इनकी वेबसाइट है और यहाँ पे ये नंबर भी इन्होंने जारी कर रखा 155260। तो ये नंबर भी आपने याद रखना है, अगर तो कोई आपको ऑब्सीन कंटेंट भेजता है, इस तरीके से आपको हरास किया जा रहा है, तो यहाँ पे आप जाके कंप्लेंट कर सकते हैं डायरेक्ट। इसके साथ नेशनल डाटा बेस ऑन द सेक्सुअल ऑफेंडर्स भी तैयार किया जा रहा है 2018 से। ये जो डाटाबेस है 2018 के अंदर सितंबर 20 को ही लॉन्च किया गया था टू फैसिलिटेट द इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रैकिंग ऑफ सेक्सुअल ऑफेंडर्स अक्रॉस द कंट्री बाय लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। ठीक है, तो जितने भी जो ये सेक्सुअल ऑफेंडर्स हैं उनका डाटाबेस तैयार किया जा रहा है कि जो रेगुलर तौर पे इस तरीके की क्राइम करता है उसको किस तरीके से ट्रैक किया जाना चाहिए, उसकी इन्वेस्टिगेशन जो भी डिटेलिंग होगी वो सब इसके अंदर पाई जाएगी। तो पुलिस को आसान हो जाता है उस पर्सन को ट्रैक करना, राइट। तो ये कुछ सेफ्टी फीचर्स बताए गए हैं मंत्री जी के द्वारा कि हम लोग अपना रहे हैं। हालांकि देखिए बहुत और भी ज्यादा इसके अंदर सुधार करने की जरूरत है, केवल इन चीजों से काम नहीं चलेगा, हमारा जो मैनेजमेंट है उसको भी थोड़ा सा सख्त होना पड़ेगा। इसके साथ साथ सोसाइटी को भी देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से हमारी जो महिलाएं हैं वो गायब हो रही हैं और देखिए जा कहाँ रही हैं। इसका सीधा सा मतलब है एक तो प्रोस्टिट्यूशन, ठीक है, यानी कि इस नरक के अंदर इनको जबरदस्ती धकेला जाता है, फिर वो वापस बाहर नहीं आ पाती हैं, ठीक है। और भी दूसरे क्राइम होते हैं, डेथ हो जाती है, किलिंग की जाती है रेप वगैरह करने के बाद, तो बहुत घिनौने कर्म महिलाओं के साथ में किए जा रहे हैं देश के अंदर। तो ये बहुत ही एक प्रकार से दर्दनाक हम डाटाबेस या रिपोर्ट कह सकते हैं, घटना भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये था रिपोर्ट जो मैंने आपको बताई, आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, और कौन से सिक्योरिटी फीचर्स हम लोग अपना सकते हैं वो सब आप मुझे बता सकते हो, राइट। और आपसे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ यार एक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।